हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षय है और मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से अपनी कोई भी पुराने फोटो को आप यहां पे इनहेंस कर सकते हैं। जो भी ब्लरनेस हो गई है, कई बार क्या होता है कि हम कहीं पे इमेजेस क्लिक करने जाते हैं और कैमरा से एक ही होने की वजह से आपका इमेज जो है वो ब्लर हो जाता है, तो उसी ब्लरनेस को हम यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल इमेज को, लो क्वालिटी इमेज को यहाँ पे हम हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को बारे में आपको बताता हूँ तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताता हूँ तो चलिए हम पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद मैं आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन में सिर्फ फोटो का ब्लरनेस ही नहीं चेंज कर सकते, काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप ओल्ड फोटो को यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं और पेंट, ये फिल्टर क्या है कि आपका कोई भी रास्टर इमेज है उसको ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता है एज अ पेंटिंग के फॉर्म में। हमारा जो फोर्थ नंबर पे है कलराइज, ये क्या करता है, अगर हमारा कोई भी ग्रे स्केल इमेज है, तो यहाँ पे बिल्कुल उसको कलर फॉर्म में आपको एक्सपोर्ट करके देगा। और पांचवें नंबर पे हमारा आता है रिपेयर स्क्रैच, अगर हमारा कोई भी फोटो है जो कि डैमेज हो चुका है, जिस पे काफी स्क्रैचेस आ चुके हैं, उसको आप अपने कैमरे के थ्रू क्लिक करके यहाँ पे आपको यहाँ से इजली वे में जो स्क्रैचेस हैं उसको पहले नंबर तो फिल कर सकते हैं और स्मच की तरह इसको आप बिल्कुल भी क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले नंबर फोटो इनहेंसर का हम यूज करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमें इस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ से किसी भी इमेज को हमें इम्पोर्ट करना है, तो यहाँ पे हम ओके क्लिक करेंगे। हमारा इमेज इम्पोर्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो देख सकते हैं कि हमारा इमेज पहले कितना ब्लर दिख रहा था और अभी कितना स्मूथ दिख रहा है, कितनी डिटेलिंग दिख रही है, हेयर देखिए कितना स्मूथ दिख रहा है यहाँ पे। तो इस इमेज के इस इमेज में जो भी ब्लरनेस थी देख सकते हैं वो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद हमें क्या फर्क दिख रहा है आप ये खुद देख सकते हैं, बिफोर आफ्टर में ये आपको दिख रहा है, तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस इमेज को हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजली वे में, तो मैं आपको दूसरा फिल्टर जो है वो दिखाने वाला हूँ। तो होम स्क्रीन पे चले जाते हैं और यहाँ पे रिस्टोर ओल्ड फोटो यहाँ पे दिख रहा है, तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसी इमेज को मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं हमारा जो रिस्टोर ओल्ड फोटो का जो फिल्टर अप्लाई करने के बाद, तो हम जूम करके देखते हैं इसकी क्वालिटी कितनी मेंटेन है, तो देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी जो हमारा फर्स्ट वाला फिल्टर था उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर रही है। तो आप देख सकते हैं आईज की डिटेलिंग कितना स्मूथ दिख रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है, देख सकते हैं ये इमेज पहले ऐसे थी, उसके बाद देख सकते हैं आईब्रोज की डिटेलिंग वगैरह आप देख सकते हैं कितना इम्प्रूव हुआ है, इसमें बहुत ही इफेक्टिव दिख रही है इमेज और ये फिल्टर भी काफ़ी कूल है। तो आप भी इस फिल्टर को अप्लाई करिए अपने पुराने फोटो पे और उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये एप्लीकेशन आपको कैसी लगी, ये फिल्टर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे रिस्टोर ओल्ड फोटो यहाँ पे दिख रहा है, तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसी इमेज को मैं दोबारा इम्पोर्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं हमारा जो रिस्टोर ओल्ड फोटो का जो फिल्टर अप्लाई करने के बाद, तो हम जूम करके देखते हैं इसकी क्वालिटी कितनी मेंटेन है, तो देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी जो हमारा फर्स्ट वाला फिल्टर था उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर रही है। तो आप देख सकते हैं आईज की डिटेलिंग कितना स्मूथ दिख रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है, देख सकते हैं ये इमेज पहले ऐसे थी, उसके बाद देख सकते हैं आईब्रोज की डिटेलिंग वगैरह आप देख सकते हैं कितना इम्प्रूव हुआ है, इसमें बहुत ही इफेक्टिव दिख रही है इमेज और ये फिल्टर भी काफ़ी कूल है। तो आप भी इस फिल्टर को अप्लाई करिए अपने पुराने फोटो पे और उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये एप्लीकेशन आपको कैसी लगी, ये फिल्टर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Right now, and press the bell icon. Never miss an update.